सो ही गाइज, वेलकम बैक माई चैनल वंस अगेन। तो गाइज, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो और सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं वो भरना शुरू हो चुके हैं। और सेमेस्टर यानी कि आपके जो थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, सेवन्थ सेमेस्टर, नाइन्थ सेमेस्टर, यानी जो विषम आपके जो सेमेस्टर है, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, नाइन्थ सेमेस्टर, केवल फर्स्ट सेमेस्टर को यहाँ पे अभी छोड़ देना है आपको, उनके अभी शुरू नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो और सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, नाइन्थ सेमेस्टर, इन सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो यूनिवर्सिटी द्वारा और सेमेस्टरों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो निम्न प्रकार से है। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है 18 दिसंबर यानी कि आज, और लास्ट डेट जो यहाँ पे रहेगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की वो 1 जनवरी रहेगी। 1 जनवरी के बाद अगर आप एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फी यहाँ पे पड़ेगा, और लेट फी के साथ आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2022 है, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पे जो है मेंशंस किया है कि जो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें केवल अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करें, किसी और का ना करें। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ पे जो ईमेल भी जो है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने एक ईमेल दे रखी, आप इस पर जो है अपना ईमेल का मेल कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये भी कहती है कि आप जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, यानी कि जब 18 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं तो कोशिश करें आप 18 दिसंबर को ही जो है अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें, ठीक है। क्यों, ठीक है। तो ये है आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है लेटेस्ट अपडेट, और जितने भी जो है UG कोर्सेज, PG कोर्सेज के जितने भी और सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ये है। इसके अलावा गाइज, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उस वीडियोस में बताऊँगा।